एक गांव में सास और बहू रहती थी। बहू का नाम प्रबलिका और सास का नाम जयंती था। प्रबलिका नई नवेली बहू थी, इसलिए सास बहू को सारा काम सिखा रही थी। बहू हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण वो थोड़ी घमंडी भी थी। घर का काम कुछ भी नहीं आता था उसे, खाना बनाना तो बिल्कुल ही नहीं आता। पर प्रबलिका के पति गोपाल बहुत भोजन प्रिय था, इसलिए सासू माँ बहू को स्वादिष्ट खाना कैसे बनाते हैं ये पास रहकर सिखा रही थी। बाप रे, इतने दिनों में सब्जियां काटना सीखी हो, कल से एक एक आइटम कैसे बनाना है सिखाऊंगी। खाना बनाना क्या कोई रॉकेट रिपेयर करने जैसा मुश्किल काम है, आफ्टर ऑल कुकिंग। अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं। इस प्रकार सासू माँ रोटियां कैसे बनानी है ये बनाकर दिखाई, फिर प्रबलिका को बनाने के लिए बोली। हे भगवान, आटे से वेपन्स बना रही है। यदि ये बात पुलिस वालों को पता चली तो हम दोनों को जेल में डाल देंगे। मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ सासू माँ, रोटी थोड़ा फ्लाइंग सॉसर जैसा बनी है। कल ही तो खाना बनाना शुरू की हो, इतने में नए नए प्रयोग करना शुरू कर दी। अन्न प्राशन के दिन ही यदि अचार खाने लग जाओगी तो लूज मोशन होकर जमीन पर रहने वाली दीवार पर फोटो में दिखने लगोगी, देख लेना सावधान। नहीं सासू माँ, अगली बार से आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही ध्यान से बनाऊंगी। उस दिन के बाद से प्रबलिका जैसा सासू माँ बता रही थी वैसा वो ध्यान से सुनी और स्वयं का प्रयोग ना करके अच्छा खाना बनाना सीख गई। कुछ दिनों बाद वो सास से भी अच्छी कुक बन गई। प्रबलिका बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये बात फ्लैट्स में सभी को पता चल गया। एक दिन प्रबलिका के बर्थडे में मेहमान आए थे और सारा खाना प्रबलिका ने खुद बनाई, जिससे सारे मेहमान खाने की बहुत तारीफ किए। ये सुन प्रबलिका की सहेली गीता बहुत ही आश्चर्य हुई। प्रबलिका, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे मालूम ही नहीं था। फिश करी तो लाजवाब। आज से तुम्हारा नाम सिर्फ प्रबलिका ही नहीं, वंडर शेफ प्रबलिका है। असल में उस फिश करी सीक्रेट क्या है, रेसिपी मुझे बताओ ना। सीक्रेट वीक्रेट कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरे हाथों का कमाल है, बस और कुछ नहीं। अच्छा ऐसा क्या, शादी से पहले 2 मिनट में बनने वाली मैगी को 30 मिनट्स में बनाती थी, भूल गई क्या। तुम्हारा बनाया हुआ चाय पीकर मेरी दादी के 3 दांत उड़ गए हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। हे कम ऑन, कुकिंग इज एन आर्ट गीता, इट्स लाइक एक्सपेरिमेंट। खाना बनाने वाले मेरे नजर में साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग किचन में करते हैं, बस यही अंतर है, बाकी सब सेम टू सेम। आ, आ, हे भगवान। ठीक है तो फिर मार्स में जाकर चाय की दुकान रखना, खाना अच्छा बनाई बोल के तारीफ करने से ओवर एक्शन कर रही है, ओवर एक्शन बैगन जैसा मुंह वाली। सासू माँ दूर से ये सब कुछ देख रही थी। प्रबलिका के खाने के फैंस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। तारीफ की वजह से प्रबलिका के दिन पर दिन घमंड भी बढ़ते जा रहे थे। वो सोचती थी कि उससे अच्छी कुक इस फ्लैट्स में कोई नहीं है। नहीं नहीं, इस एरिया में कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस गांव में ही कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, इस स्टेट में ही कोई नहीं है। एक दिन प्रबलिका को किसी टीवी चैनल में कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर आया। शो में विन होने से बेस्ट शेफ अवार्ड के साथ 30 लाख रुपए प्राइज भी मिलेगी, इसलिए टीवी शो में वैरायटी वैरायटी खाना बनाकर फाइनल्स तक पहुंची। इसके बाद एक सप्ताह में ही फाइनल कंपटीशन थी। फाइनल के लिए हर तरीके के खाने बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सासू माँ बोली, कुछ दिन पहले चपाती बनाना सिखाने से विष्णु चक्र बनाई थी, आज बेस्ट शेफ अवार्ड के नजदीक है, मेरी बहू ग्रेट। हाँ हाँ माँ, लेकिन फाइनल में विन होने के लिए टेस्टी रेसिपी बनाना काफी नहीं होता, पॉजिटिव एटीट्यूड और ह्यूमन वैल्यूज की भी पॉइंट्स मिलते हैं, गुरु के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये सारी बातें प्रबलिका में नहीं है, उसे बेस्ट कुक होने का घमंड है। जयंती को बेटे की बात बिल्कुल सही लगी, यही सही समय था बहू को सबक सिखा कर सही राह पर लाने की, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन मकड़ी मकड़ी, बाप रे मकड़ी,
कहाँ है, कहाँ है? उतरो बहू, एनाकोंडा के उतना भारी हो, उतरो, मेरी कमर टूट जाएगी। वो क्या है, वो क्या है ना, सासू माँ, मुझे बचपन से ही स्पाइडर से बहुत डर लगता है। शर्म नहीं आती, ताल के पेड़ जैसी हो, छोटे से कीड़े को देखकर डर रही हो। अरे आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, फाइनल्स के लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। कैसे बटन कबाब सॉफ्ट और जूसी नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ, और आप हो कि सिली। सिली? क्या मैं सिली हूँ? गुरु से बढ़कर शिष्य बनना अच्छी बात है, पर गुरु को ही भूल जाने वाली शिष्य बनोगी तो तुम भी उस मकड़ी की तरह श्रापग्रस्त हो जाओगी। व्हाट? मकड़ी श्रापग्रस्त है? हाँ, किसी एक वक्त वो भी तुम्हारे जैसे घमंडी बहू थी। क्या मकड़ी भी एक समय मनुष्य थी? वो भी बहू थी। किसकी बहू थी? किस बात की श्राप है सासू माँ? कई हजारों साल पहले उत्तरा राज्य में बनारस नामक गांव में मल्लिका नामक एक नई बहू थी। वह बहुत खूबसूरत और बहुत भोली थी। उसके ससुराल में सभी लोग बनारसी कपड़े बुनकर अपनी अपनी जीवन यापन करते थे। जो लाहे के वंश में पैदा होकर कपड़े बुनना नहीं आता, ये कैसी बात है? शर्म नहीं आती? मेरी माँ से जाकर सीखो। इस बात से मल्लिका को बहुत ही दुख हुआ। किसी भी तरह बनारसी साड़ी की बुनाई करके पति से शाबाशी लेने की सोचकर सासू माँ से बहुत लगन से सीखी। सासू माँ के कपड़े बुनाई का उस गांव में बहुत अच्छा नाम था। सासू माँ द्वारा बुने गए साड़ियों का बहुत दाम मिलता था। कुछ दिनों में ही वो सासू माँ से सब कुछ सीख ली। वो दिन में 20 घंटे साड़ियां बुनने में ही अपना ध्यान लगाती थी। वो भूख प्यास सब कुछ भुलाकर अपनी काम सीखी। सभी लोग मल्लिका को बुनाई के नाम से बुलाते थे। बुनाई का मतलब धागों को सुंदर से सजाकर बुनना। मल्लिका द्वारा बुने गए साड़ियों की बहुत तारीफ होने लगी थी। रानियां, महारानियां मल्लिका के घर आकर बहुत सारे सोने देकर साड़ियां खरीदने लगे थे। मल्लिका का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था। पर ये सब कुछ देखे बिना ही उसकी सासू माँ की मृत्यु हो गई। पोचपली बोलने पर मल्लिका द्वारा बुने गए साड़ियों की याद आती, मतलब इतनी प्रसिद्ध हो गई थी मल्लिका। मल्लिका बहुत ही घमंडी हो गई थी। उसके जैसा जल्दी और सुंदर कपड़े कोई नहीं बुन सकता, ऐसा वो बड़ाई करती थी। एक दिन दूर की रिश्तेदार देविका दादी आकर बोली, हर राज्य में तुम्हारा नाम का ही गुणगान हो रहा है मल्लिका, अपनी सास की तरह तुम भी बहुत प्रतिभाशाली हो। मुझे अपनी सास से क्यों तुलना कर रही हो? उनके द्वारा बुनी गई साड़ियाँ साधारण लोग पहनते हैं, मेरी बुनी हुई साड़ियाँ महारानियाँ पहनती हैं। इस देश में ही मैं एक नामी कपड़े बुनने वाली हूँ। यदि और भी बताना हो तो मेरे जैसे कपड़े बुनने वाली इस भूमि पर नहीं है। उतना घमंडी मत बनो मल्लिका। कैटरपिलर कई सालों तक पेड़ पर रहकर पत्ते खाते हुए आराम से जीती है। एक बार पंख निकलने पर पेड़ को छोड़कर ऊपर उड़ते हुए उससे ऊपर कोई उड़ नहीं सकता सोचकर किसी पक्षी के मुंह में जाकर मर जाती है। तुमने जो सीखा है उस विद्या नामक पंखों से उड़ो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस गुरु ने विद्या सिखाई है उस गुरु को नीचा दिखाकर बातें मत करो, ऐसे करने से भगवान माफ नहीं करेगा। बंद कीजिए आपकी ये नीति बोध। दूर के रिश्तेदार है करके घर के अंदर आने देने पर मुझे ही चिढ़ा रही हैं। निकल जाइए मेरे घर से। इस प्रकार मल्लिका घमंड और अहंकार से घर पर आए हुए मेहमानों की बेइज्जती की। ये सारी चीजें सासू माँ आत्मा बनकर देख रही थी। वह बहू को किसी भी तरह से सबक सिखाना चाहती थी। अगले दिन वेश बदल कर वो आई और मल्लिका को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोली। जो अच्छी साड़ी बुनेगा वही इस बाजी को जीतेगा। आत्मा के रूप में आई हुई सासू माँ को मल्लिका पहचान ना पाई और प्रतियोगिता के लिए हाँ कह दी। मल्लिका बहुत ही तेजी से साड़ी बुन रही थी और वेश बदल कर आई हुई सासू माँ की आत्मा भी बहुत तेजी से साड़ियाँ बुन रही थी। मल्लिका सासू माँ से पहले ही साड़ियाँ बुनकर रख दी। थोड़ी देर बाद सास ने भी साड़ियाँ बुनकर रख दी। आस पास के सभी लोग मल्लिका की बुनी हुई साड़ी बहुत सुंदर है कहने लगे। फिर उस देश की महारानी आकर बताएगी
कि किसकी बुनी हुई साड़ी सुंदर है, इसलिए सभी लोग बड़ी आशा से इंतजार कर रहे थे। दोनों ने बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बनाई हैं। पर देखा तो पर मल्लिका की बुनी हुई साड़ी अद्भुत है, इसलिए मल्लिका विजेता है। सब देखे, दोनों की बुनी हुई साड़ियों में फूल है, पर मल्लिका के साड़ी में फूलों को सच समझकर उनके ऊपर तितलियां और भौरे मंडरा रहे हैं। मल्लिका, तुम्हारी प्रतिभा तो लाजवाब है बेटी, तुम्हें ये विद्या सिखाने वाला गुरु और भी महान होगा। शाबाश बहू, तुम्हें ये विद्या सिखाकर मुझे बहुत गर्व है, तुम तो सचमुच गुरु से बढ़कर हो। सही में तुम तो गुरु से बढ़कर शिष्या हो मल्लिका। गुरु से बढ़कर मल्लिका नहीं हूँ रानी साहिबा, गुरु को हराने वाली मल्लिका हूँ। मुझे हराने वाले इस भूमि पर ही नहीं है, मुझसे अच्छा बुनने वाला इस दुनिया में ही नहीं है। मैं उस भगवान को भी हरा दूंगी, मेरे सामने गुरु तो सिर्फ एक तिनके के बराबर है। गुरु से द्वेष करके तुमने गलती की है जो क्षमा के लायक नहीं, तुम्हें श्राप देता हूँ। मुझसे अच्छा और जल्दी कोई साड़ी नहीं बुन सकता करके बहुत घमंड दिखा रही हो ना, अब से तुम वैसा ही जिंदगी जियो, हमेशा बुनती रहोगी, यही मेरा श्राप है। इस प्रकार वो बहू मकड़ी बनकर हमेशा जाल बुनती रहती है। वो जितना भी सुंदर जाल बनाए, हम उसे झाड़ू से हटा देते हैं। वहाँ से भागकर वो दूसरी जगह जाल बुनती है, लगातार बुनती रहती है। सॉरी सासू माँ, मुझे बुद्धि आई है, मैं फिर कभी अहंकार से बात नहीं करूँगी। ठीक है, मगर उस मटन में एक चम्मच कच्चा पपाया पेस्ट डालकर 1 आवर मैरिनेट करके तब जाकर बहुत सॉफ्ट और जूसी लगेगा मटन फ्राई। प्रवलिका सासू माँ की बताई हुई बातों को मानी और कुकेरी शो में विनर हुई। उस दिन से वह अहंकार छोड़ अच्छी औरत बन गई। मेरे अच्छा खाना बनाने का कारण मेरी गुरु मेरी सासू माँ हैं, वो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में ही बेल आइकॉन क्लिक कीजिए।